हार्दिक ने दिया तिलक वर्मा को धोखा। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इंडिया और वेस्टइंडीज के बीच खेले गए तीसरे T20 मैच की, जिसमें टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज को 7 विकेट से रौंद दिया और सीरीज में अपनी जीत का खाता खोला। लेकिन इस मैच में भी चर्चा का विषय बने फिर से हार्दिक पांड्या। जी हाँ दोस्तों, असल में तिलक वर्मा अपनी अच्छी फॉर्म को बरकरार रखते हुए 49 रन पर थे और हार्दिक 1 रन देकर उनको स्ट्राइक दे सकते थे, जिससे वो अपनी सीरीज की दूसरी हाफ सेंचुरी लगा पाते। लेकिन हार्दिक पांड्या ने छक्का लगाकर मैच को जिता दिया। लेकिन इसके बाद सोशल मीडिया पर उन्हें काफ़ी ट्रोल किया गया, साथ ही उनको सेल्फिश भी कहा जा रहा है। वहीं हार्दिक के इस बिहेवियर को देखकर तिलक वर्मा भी काफ़ी हैरान थे, क्योंकि पहले हार्दिक को तिलक से कहते हुए भी सुना गया था कि तू लास्ट तक रुकेगा और तू ही मैच जिताएगा। इसके बाद धोनी का वो सेल्फलेस एक्ट वायरल हो गया, जिसमें उन्होंने साउथ अफ्रीका के मैच जिताने के लिए सिंगल डिनाई कर दिया था और कोहली को स्ट्राइक दी थी, क्योंकि कोहली ने ही टीम इंडिया को हार के चंगुल से निकाला था। तो दोस्तों, आप हार्दिक पांड्या के इस एक्ट पर क्या कहना चाहेंगे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।